हे गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल सा बेसिक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो थ्रेड का, धागे का जो ओपन वाला एंड होता है, उसको एक नॉट से बांध के सिक्योर कर लेते हैं। अच्छे से हमको नॉट बांध लेना है, क्योंकि अगर कपड़ा हमारा साड़ी का या तो दुपट्टा जिस पे भी हम बना रहे हैं पतला है, तो वो नॉट उसे पास थ्रू हो जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड को हम ऐसे रोल कर लेंगे, बांध लेंगे दो तीन बार ऐसे रोल करके। तो कपड़े का सीधी तरफ हमारे तरफ होना चाहिए, और पीछे की तरफ से धागे को रखते हुए हम धागे को कपड़े से अटैच करेंगे। आगे से हम नीडल को प्रिक करेंगे और पीछे जो धागा पकड़ा हुआ है उसको खींच के आगे लाएंगे। तो उसको एक चेन से सिक्योर करेंगे। अभी ये हो गया हमारा धागा कपड़े से अटैच्ड। तो अभी ये सिर्फ कपड़े को, धागे को अटैच करना हो गया। फिर उसके बाद डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ठीक बाजू में एक लॉक कर लेंगे। लॉक या तो हम सिंगल क्रोशा भी कह सकते हैं। तो एक लॉक डाल के अभी हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ आ डिज़ाइन। तो यहाँ एक टिप मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप टैजल्स बांध रहे हैं, ठीक है, आपको डिज़ाइन में टैजल्स चाहिए ही चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, तो डिज़ाइन स्टार्ट करते वक्त पहले टैजल के लिए जगह छोड़ना है। अगर आप टैजल नहीं बना रहे तो सीधा डिज़ाइन आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टैजल आप बांध रहे हैं तो आपको टैजल बांधने के लिए जगह बना लेना चाहिए। तो मैं यहाँ चार चेन्स मैंने डाल लिया है, तो वो फोर चेन्स को जहाँ तक वो फोर चेन्स पहुँचता है कपड़े पे, वहाँ लॉक करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो इसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है उस ट्यूटोरियल में। मेरे चैनल में जाइएगा बिगिनर सीरीज़ 2, तो आप वॉच कर सकते हैं वो वीडियो। तो अभी क्या होगा, ये जो फोर चेन्स है इसको मैं जहाँ तक पहुँचता है वहाँ पर लॉक कर लूँगी। देखिए, उसके लिए हमको कपड़े को थोड़ा खींच के रखना है दोनों हाथों से, और देखना है पहले कहाँ तक पहुँचता है वो, और वहाँ पे नीडल इंसर्ट करके हम उसको कपड़े से वहाँ लॉक करेंगे। तो ये हो गई हमारी टैजल बांधने के लिए जगह। तो टैजल को फ्रेंड्स गुच्छा बोलते हैं हिंदी में। तो उसके बाद मैंने उसके बाजू में फिर से मैंने एक लॉक करा हुआ है, फिर से एक लॉक करके थोड़ा सा धागे को मैं ऊपर उठाऊंगी। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि डिज़ाइन के बीच में हम बीड्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आपके पास जो भी है बीड्स आप वो ले सकते हैं, मैं इंसिस्ट नहीं करूँगी, यही लीजिए, जो मैं दिखा रहा हूँ वही लेना, ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो भी बीड है आप वो लीजिए। मैं यहाँ पे छोटा सा ये फ्लावर बीड ले रही हूँ, और जैसे आप देख सकते हैं वो बीड के दोनों तरफ एक होल होता है, और एक होल में आप अगर नीडल पास करेंगे तो एक तरफ से आप नीडल पास करेंगे तो एग्जैक्टली ऑपोजिट दूसरी तरफ से बाहर आएगा। तो ऐसे नीडल पर वो बीड हमको इंसर्ट करके रखना है। और जैसा आप देख सकते हैं धागे को मैंने थोड़ा ऊपर उठा लिया है, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगी, हुक पोर्शन से मैं वो जो ऊपर उठा हुआ धागा है उसको ऐसे पकड़ के, और जो बीड है नीडल पे उसको एक फिंगर के मदद से धीरे से मैं वहाँ पुश करूँगी थ्रेड में। तो अभी हो गया हमारा, तो बीड हमारा इंसर्ट हो गया। फिर इसको हम लॉक करेंगे, एक चेन बना लेने से बीड का लॉक बन जाएगा, इसको बीड लॉक बोलते हैं। फिर ये बीड जहाँ तक पहुँचता है, देखिए मैंने छोटा सा बीड लिया हुआ है,
तो ये जहाँ पहुँचता है मैं वहाँ पे लॉक करूँगी। आप अपने बीड के हिसाब से लॉक कीजिए, जो बीड आप ले रहे हैं। अगर आपका बीड थोड़ा बड़ा है तो आपको थोड़ा आगे लॉक करना पड़ेगा, मतलब बीड जहाँ तक पहुँचता है वहाँ पे। तो मेरा बीड जहाँ तक पहुँचा मैंने वहाँ पे उसको लॉक कर लिया। तो मैं ये डिज़ाइन ऐसे बना रही हूँ, पहले मैं एक टैजल बांधूँगी, एक गुच्छा बनाऊँगी, फिर उसके बाद में बीड है, फिर मैं गुच्छा बनाऊँगी। ऐसे अल्टरनेटिव में दो गुच्छों के बीच में एक बीड इंसर्ट करते मैं जाऊँगी। फ्रेंड्स यही काम आप नॉर्मल नीडल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल नीडल से करना है तो हमको प्रॉपर मेजरमेंट्स चाहिए होंगे। पहले मार्क कर लेना है, फिर बीड को स्टिच करना है, या तो बाद में टैजल बांधना है, या तो पहले टैजल बांध के जो दो टैजल्स है उसके बीच में हमको बीड को स्टिच करना होगा। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा मुझे, इसीलिए मैं ऐसे छोटे छोटे डिज़ाइन भी मैक्सिमम में क्रोशे से ही बना देती हूँ। तो ये हमारा बीड हो गया। तो फिर से मैं टैजल के लिए यानी गुच्छे के लिए मैं जगह छोड़ रही हूँ, और ऐसे क्रोशे से 4 चेन्स बना के, जगह बना के टैजल बांधना बहुत ही, मतलब बहुत ही इजी मेथड है। एक बार आप इसको ट्राई करेंगे तो इसको ही यूज़ टू हो जाएंगे। सीधा आप कपड़े पे गुच्छा बनाने जाओ तो पहले नीडल से उसको प्रिक करना पड़ेगा, फिर सुई में वो सारे जितने धागे आपने लिए हैं वो सुई में पहले वो ये करना पड़ेगा। तो लाइक वो बहुत ही मुश्किल काम है मेरे ख्याल से। तो फिर मैं क्या करूँगी, 4 चेन्स को मैंने जहाँ पे लॉक किया, मैं यहाँ पे हर बार जब भी कपड़े को मैं लॉक करती हूँ कपड़े पे, वहाँ पे मैं 2 टाइम्स मैं लॉक कर रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, पहली बार तो मैंने ये बीड को हाथ में उठा लिया था ताकि मैं आपको दिखाऊं अच्छे से कि ये कैसे वर्क करता है, हाउ टू होल्ड इट, हाउ टू लाइक इंसर्ट इट। तो अभी क्या करना होगा, आगे से आपको नीचे जो रखे हुए रहते हैं बीड्स, वहाँ पे एक एंड पे जो होल है वो पकड़ लेना है, वहाँ पे नीडल रख के एक फिंगर की मदद से आपको उसको नीडल पे उठा लेना है। तो बीड को मैंने लॉक किया, फिर बीड जहाँ तक पहुँचता है वहाँ पे मैं इसको लॉक करूँगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जब भी आप कोई लूप निकालो वो लूप में से जितने भी स्ट्रैंड्स आपने लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 6 स्ट्रैंड्स लिए हैं, तो सारे स्ट्रैंड्स निकल के बाहर आना चाहिए लूप से, देखे ऐसे। फोर चेन्स तो जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक मैं इसको लॉक करूँगी। नीडल इंसर्ट करने की बारी है, सॉरी बीट को इंसर्ट करने की बारी है। तो दूसरी बार मैंने कपड़े से लॉक कर लिया, तो धागे को थोड़ा ऊपर उठाया, धागा मतलब जो लूप रहता है नीडल पे, पूरा लूप हमको थोड़ा ऊपर उठा के बड़ा बना लेना है। तो देखिए मैं इस तरह से इसको नीडल पे इंसर्ट कर लूँगी। हम एक्चुअली वो फिंगर को पकड़े रखना है, नहीं तो वो बीड स्लिप हो जाएगा, नहीं तो हमारा वो बीड लेते लेते ही बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने बीड इंसर्ट किया, फिर बीड को मैं लॉक करूँगी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सारे स्ट्रैंड्स को नीडल पे उठा लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस वो ये जहाँ तक पहुँचता है मैं वहाँ पे इसका लॉक बनाऊँगी।
कपड़े को लॉक करना और बीड को लॉक करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। बीड को जब हम लॉक करते हैं सिर्फ एक चेन बना के लॉक करते हैं, कपड़े से जब हम लॉक करते हैं, कपड़े को जब हम लॉक करते हैं तो सिंगल क्रोशे से हम लॉक करते हैं। तो अभी फिर से मैं 4 चेन्स बनाऊंगी। और उसको जहाँ तक पहुँचता है वहाँ पे मैं कपड़े पे लॉक कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि ये डिज़ाइन साड़ी के पल्लू पे ही बनाया जाए, ये दुपट्टा पे भी बना सकते हैं। दुपट्टा अगर रेशम का है तो ये हमारे दुपट्टे को और भी सुंदर बनाएगा। तो मैंने फिर से बीट इंसर्ट किया, उसको जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक मैंने लॉक कर लिया। फिर दूसरी बार मैं लॉक करूँगी। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि दूसरी बार लॉक करें, मैं एक डिज़ाइन अच्छा लगे इसकी वजह से मैं दो बार में लॉक कर रही हूँ। आप चाहे तो एक बार लॉक करके भी प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने छोटा वाला बीड लिया था तो डिज़ाइन थोड़ा ख़ास लगे इसीलिए मैंने दो बार लॉक करने का सोचा। आप चाहे तो एक बार लॉक करके प्रोसीड कर सकते हो। और देखिए ये इतना बन गया हमारा, एंड तक मैं पहुंच गई। मैं बताती हूँ एंड में हमको कैसे एंड करना होता है। जैसे कि मैंने बताया था, शुरू में हम अगर गुच्छा बांध रहे हैं, टैजल बना रहे हैं, तो शुरू में पहले हम क्या करेंगे, टैजल के लिए जगह छोड़ रहे हैं। तो लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट कि एंड भी हमारा टैजल के साथ हो। तो मैक्सिमम आपको ट्राई करना है। तो इसके लिए एडजस्टमेंट के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा अगर 1-1.5 इंच कपड़ा बचा है तो अभी ये 4 चेन जहाँ बनाना था वहाँ पे मैंने 3 चेन बना लिए ताकि एडजस्ट हो जाए। तो फिर मैं बीट को इंसर्ट करूँगी। बीट को मुझे नीडल पे उठाना है, नीडल पे इंसर्ट करके वो नीडल से फिर हम जो हमारा वर्किंग यार्न है, जो वर्किंग वाला धागा है, वहाँ पे इंसर्ट करेंगे। फिर बीड को लॉक करूँगी। फिर वो जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक मैं लॉक कर लूँगी, वहाँ पर मैं लॉक कर लूँगी। तो एंड में डिज़ाइन हमको लाइक एक माइंड सेट रहता है कि ऐसे एंड करना है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप साड़ी में या दुपट्टा में कर सकते हो। लाइक चेन्स कम ज़्यादा कर सकते हो। मैक्सिमम आपको ट्राई करना है कि टैजल के साथ ही एंड हो। तो मेरा यहाँ पे इतना कपड़ा बचा है तो मैं यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ और ये ऑलमोस्ट एंड पे पहुँच रहा है। तो जब मैंने लॉक करा तो वो कपड़े का एंड था इसीलिए वो स्प्लिट हो रहा था, तो मैंने वो ओपन कर लिया। लेकिन आप अगर साड़ी पे दुपट्टा पे बना रहे हैं, कपड़ा आपका थोड़ा स्ट्रांग है, तो आप एंड तक भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, 2 एक्स्ट्रा चेन्स में डाल के अपना डिज़ाइन को एंड कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत कोशिश करी कि आई एंड माई डिज़ाइन विथ टैजल्स, हो नहीं पाया, तो नो प्रॉब्लम, वो ज़्यादा कुछ लाइक फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करूँगी, टैजल बांध रहे तो टैजल में इंक्लूड करके हम इसको बांध सकते हैं।
एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ क्या करूँगी, जो उल्टी साइड होता है कपड़े का, वहाँ पे मैं एक पॉइंट में ग्लू लगा के इसको वहाँ पे चिपका दूँगी। देखिए पीछे की तरफ ध्यान से करना है, क्योंकि आगे की तरफ हमको इसको चिपकाना नहीं है, पीछे की तरफ चिपकाना होता है। फैब्रिक ग्लू से मैं इसको चिपका रही हूँ, और जो शुरू में हमने नॉट बांध के शुरू किया था उसको भी हमको ऐसे ही चिपका लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन कुछ ऐसे दिखेगा। तो अगले वीडियो में मैं ये जो फोर चेन वाला गैप हमने छोड़ा है वहाँ पे गुच्छा बांधना है। तो अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी गुच्छा कैसे बनाते हैं और फिर इसको हम कैसे डिज़ाइन में बांध सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो मेरे सारे बिगिनर सीरीज़ शुरू से देखिएगा, तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपने वीडियोस में इंक्लूड करा है। जो भी मुझे पता है मैं आपको बहुत आसान तरीके से मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हैप्पी क्रोशेटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।